हेलो वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब मैंने आपको कल बताया था कि जो हम लोग अपनी वॉच की बैटरीज चेंज करवाने गए थे और उन्होंने बोला था कि आपको सैटरडे को आना है तो आज हम निकल पड़े हैं घर से क्योंकि पहले हम लोगों को जाना है जी पहला हमारा स्टॉप है जी वॉच का जो ज्वेलर शॉप पे उसके बाद हम लोगों ने जाना है जी मॉल क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जो शॉपिंग की थी उसमें एक पेयर ऑफ शूज़ जो हमने लिए थे वो उन्होंने रॉन्ग शूज़ का साइज़ दिया था तो अभी वो हमें चेंज करवाना है और दूसरा मेरी बेटी का आई पॉड वो लोग यूज़ करते हैं तो एकदम से उसका आई पॉड बिल्कुल टर्न ब्लैक हो गया था उसकी स्क्रीन बंद हो गई थी तो काफ़ी देर वो चला नहीं तो अभी चूँकि वो अंडर वारंटी था तो मैंने बोला कि चलते हैं जाते हैं और जाके चेक करवाते हैं कि इज़ देर एनी थिंग तो फिर वो लोग उसको फ़िक्स करके दे देंगे मुझे तो यहाँ पे आगे लकीली की जी वाकई उस जो लेडी ने हमें सही बताया था कि वो आदमी मौजूद था उसने हमें इसकी बैटरीज वगैरह तो डाल के दे दी हैं तकरीबन इसको बीस पच्चीस मिनट लगे हम यहीं खड़े रहे जहाँ पे हम खड़े हैं उन्होंने बोला कि आप यहीं पे खड़े हो जाएं अदरवाइज़ अगर आप चले जाएंगे तो आप अपना नंबर लूज़ कर लेंगे तो हम वहीं पे खड़े रहे ताकि हमारा नंबर हमारे टाइम के मुताबिक आ जाए तो वो चेंज हो गया अब ये वापस आ गया अब हम इसको करेंगे पे और उन्होंने बोला कि आप इसको चेक कर लेंगे कोई स्क्रैच वगैरह अगर आपको अभी कुछ नज़र आता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे तो अगर कुछ वॉच पे कुछ भी हुआ है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बस वहाँ से हम निकले हैं और चल पड़े जी हम लोग मॉल की तरफ मॉल वही मॉल है जी वेस्ट एडमिंटन मॉल हम आए हुए हैं और आप ज़रा चेक करें कितने लोग हैं यहाँ पे बहुत रश था लाइक डे बाय डे मैं नोट कर रही हूँ कि हम जब जब आते हैं मुझे पहले से ज़्यादा लोग नज़र आते हैं लेकिन अब एक चीज़ में फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है कि लोगों ने मास्क पहना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं कुछ स्टोर्स तो ऐसे हैं कि उनमें मैंडिटोरी है कि अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको वापस भेज देंगे तो वो लोग खुद आपको मास्क वग़ैरह प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वापस अपने कस्टमर तो लूज नहीं करेंगे तो अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो आपको मास्क देंगे कि आप पहने और आप पहन के अंदर आ जाए तो बस अभी हम जाएंगे और आज इतना रश था मुझे तो अजीब लग रहा होता है कि जब हम घर में होते तो हम सोचते हैं अभी ये नहीं करना कोरोना है अभी ये नहीं करना कोरोना चल रहा है लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ख़ास तौर पर मॉल्स वग़ैरह में तो, तो काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आते हैं और ये देख लें ज़रा इस स्टोर के बाहर कितनी लंबी लाइन है और मेरे मेरे पीछे भी लाइक ये नहीं कि सिर्फ मेरे आगे लोग खड़े हैं पीछे भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं लेकिन सब लोग आते हैं शॉपिंग चल रही हैं क्योंकि ज़रूरतें हैं ये सारी जो हैं चीज़ें ये आपकी लाइफ की ज़रूरतें हैं ये आप शौक़ से नहीं खरीदते हैं लेकिन आ, बस हम लोग भी जिस तरह आए हैं लोग भी आते हैं बच्चे भी आप नज़र आते हैं मॉल्स में और फूड कोर्ट वग़ैरह भी नज़र आते हैं जूता हो गया चेंज मेरे बेटे को चाहिए था, है था हैट और मैं वो मेरे साथ नहीं आए मेरे बच्चे आए सब घर पर हैं मैं और मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम किया मैंने उसको बोला कि ये ये हेट्स यहाँ पड़े हैं उसको पहले तो पसंद नहीं आया जब मैं घर आ गई तो कहता नहीं वो जो पिंक वाला था वो मुझे बाय करके दे दें अब मैंने बाय नहीं किया मुझे दोबारा जाना पड़ेगा तो दोबारा जाके उसको मैं वो पिंक वाला लेके दूंगी आई डोंट नो ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं थकते हैं सीरियसली बार बार इनका दिल करता है कि हम लोग साथ चले जाएं और मैंने इसको बोला कि हमारे घर के पास ही एक मॉल है उसमें टॉमी हिल फिगर की स्टोर है तो मैंने इसको बोला कि कल मैं तुम्हें ले जाऊँगी शायद तुम्हें वहाँ से कोई चीज़ मिल जाए तो अग्री तो करके आप देखते हैं कल अगर टाइम मिला तो मैं इसको वहाँ पर लेके चली जाऊँगी अगर इसको वहाँ पर कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी तो ये वहाँ से ख़रीद लेगा सब कुछ करने के बाद हम ऊपर आ गए हैं मेरी चार बजे की अपॉइंटमेंट थी एप्पल स्टोर पे और ये ज़रा लाइनअप आप चेक करते जाएं ये एक एक स्टोर के बाहर ज़रा लाइनअप आप चेक करें इतने लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे बहुत ज़्यादा अभी यहाँ से हम गुजर हैं मैं जा रही हूँ एप्पल स्टोर की तरफ जो कि ये ज़रा चेक करें एप्पल स्टोर इतना आगे है और ये वहाँ यहीं से उन लोगों की लाइनअप स्टार्ट हो रही है जो एप्पल स्टोर के लिए आए हैं पहले जब ये कोविड से पहले अगर आपको मैं कभी इसकी वीडियो दिखाती ये फुली लाइक भरा होता था लोगों के साथ इतने लोग होते थे लगता था कि सबको यहाँ पर फ्री चीज़ें बट रही हैं वो आए हैं लेने के लिए ले के निकल जाएंगे बस मैं तो क्योंकि मैंने अलहमद अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई थी चार बजे की अपॉइंटमेंट थी तो मैं तीन पचपन भी ऊपर आई और उन्होंने मुझे अब मैंने आके कर अप किया उन्होंने मेरा फ़ीवर चेक किया क्योंकि वो सबको फ़ीवर चेक करने के बग़ैर अंदर नहीं जाने दे रहे तो मेरा फीवर ठीक था लाइक नॉर्मल था तो उन लोगों ने मुझे राइट वे अंदर बुला लिया अंदर आए हैं तो अभी आदमी भी फ़ौरन आ गया और इन लोगों ने क्या किया, किया कि बहुत चेंज कर दिया स्टोर के रूल्स और चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं लेकिन ये था कि बहुत लोग आ रहे थे इट मीन्स कि उनका बिज़नेस भी चल रहा है लोगों के काम भी हो रहे हैं कुछ भी रुका हुआ नहीं है मॉल से हो गए फ्री तो अब मुझे हमने सुबह नाश्ता किया था नाश्ते के बाद मैंने कुछ नहीं खाया और इस वक्त मुझे शद्दीद भूख लग रही थी तो यहाँ से चॉकलेट वाले के स्टोर से भी गुजरे तो मैंने मेरे हस्बैंड बोलते कुछ चॉकलेट खा लो मैंने कहा नहीं कहते हैं जब फिर तुम यूँ करो कुछ के चलते हैं या यहाँ पे अलमदीना है वहाँ से कुछ खा लो मैंने कहा नहीं यार फिर मेरा दिल कर फालूदा खाने पर और आप लोग भी सोचेंगे इसको क्या फालूदा इतना अच्छा लगता है तो जनाब मैंने आपको पहले बताया है कि मैं ऐसी ही हूँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर मैं वही खाती रहती हूँ लाइक मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ और अगर कोई चीज़ मेरे टेस्ट बर्ड्स को अच्छी लग जाए तो फिर मेरा दिल करता है मैं हर वक्त वही खाती रहूँ तो हस्बैंड को बोला चलते हैं तो यहाँ से तकरीबन तकरीबन यानी ये मॉल हमारे घर के और आ, आ, फालूदा जहाँ हम खाने जाते हैं उस जगह से इन बिटवीन है राइट इन बिटवीन हम दोनों के लाइक हम लोग तकरीबन पंद्रह बीस मिनट का कर सफर करके कर आए हैं यहाँ से फिर बीस एक मिनट का कर सफ़र करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे लेकिन अलहमद मेरे हस्बैंड बहुत बहुत केयरिंग है जो चीज़ मैं उनको बोलती हूँ तो वो ज़रूर पूरी कर देते हैं कोई भी मेरी जायज़ ख्वाहिश होती है नाजायज चीज़ें वो पूरी नहीं करते हैं तो उनकी ये होता है कि वो कहते हैं जब भी तुम्हारा किसी चीज़ पे खाने पे दिल कर रहा है ख़रीदने पे तो राइट वे बता दिया करो क्योंकि फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि आपको वो चीज़ ना मिले या आपको क्रेविंग हो रही है तो आप वो खा ना रहे हो तो मैंने बोला तो कहते हैं चलो निकल चलते हैं तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं तकरीबन हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्विक विज़िट था बहुत लंबा चूड़ा विजिट नहीं था यहाँ से निकले हैं अब हम जा रहे हैं जी साउथ के साइड पर साउथ जाएँगे वहाँ से फालूदा खाएंगे फिर घर जाएँगे बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले लूँगी रस्ते में से फिर घर जाऊँगी और मुझे आज करना है कुकिंग क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया था बारबी किया था हम लोगों ने आया मैं आपको दिखाऊंगी कि बारबी अगर आपके पास लेफ्ट ओवर बारबी है तो मैं उसको किस तरीके से नेक्स्ट डे उसको मैं यूज़ करती हूँ तो जी ये हम पहुंच गए हैं फलूदा शॉप पे आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि आप रोज़ देखते हैं तकरीबन ये मेरे आई थिंक ये एक महीने में को पाँचवा छठा चक्कर है मेरा और वो आदमी जो है जो यहाँ का ओनर है वो वो भी बड़ा हैरान होता है वो कहता है कि आप इतनी दूर से सिर्फ ये फलूदा खाने के लिए आते हैं तो बिल्कुल जनाब ये है जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो आपको उसके लिए थोड़ा सा तो कुर्बानी देनी पड़ती है और मैं तो खाने पीने की चीज़ों के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा से तैयार बैठी हूँ फलूदा खा लिया इंजॉय कर लिया आप तकरीबन छः साढ़े छः का शायद टाइम था आई थिंक क्योंकि मैंने अभी वॉश देखी नहीं है और मेरा ख्याल है इतना टाइम हो चुका है लेकिन अब खा लिया तो अब जो हम लोग घर जाना है तो वो लेफ्ट ओवर बारहवे क्यों पड़ा है उसके साथ मुझे थोड़ी सी कुकिंग करनी है और फिर हम लोग खाएंगे खाना एक्चुअली ये फालूदा भी काफी हैवी होता है अगर आप खा लेते हैं तो बहुत जल्दी आप खाने पर दिल नहीं करता लेकिन मैंने तो और मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया लेकिन बच्चे घर में उन्होंने हल्के फुल्के स्नैक्स लिए होंगे कुछ मील नहीं लिया उन्होंने तो उनको तो भूख लगी होगी घर जाओगे तो जाते ही मैंने कुकिंग स्टार्ट कर देनी है तो जनाब कुकिंग में क्या कर रही हूँ जी हाँ जी मैंने कल बनाया था बार उसका लेफ्ट ओवर मेरे पास फिश भी बड़ी थी चिकन भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा चिकन मॉर्निंग में मेरी छोटी बेटी ने खा लिया लेकिन अभी भी स्टिल इतना है कि हम लोग दोनों चीज़ें के मिला के चावलों के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारा ये टाइम अच्छा गुजर जाएगा तो बन रहे हैं जी मटर पुलाव वो भी मैं बना रही हूँ जी इंस्टेंट पॉट में अगर आपके पास आपको उसकी रेसिपी कम्प्लीट रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी आप ज़रूर देखिएगा झटपट में दस पंद्रह मिनट में आपके किस तरह से आपके चावल तैयार हो जाते हैं इतने खिले खिले इतने अच्छे चावल बनते हैं कि आप लोग यकीन करें कि जब से मैंने मटर पुलाव मैं दूसरा पुलाव इसमें ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ये मैं थोड़े बनाती हूँ तीन कप बना लिए छोटे वाले कप्स कप मीन्स वो जो बे ंग के कप्स होते हैं वो छोटे वाले वो एक दो कप बना लिए तीन कप बना लिए इसे ज़्यादा नहीं बनाती कि इतने में बनाती हूँ कि हमारा एक टाइम पे पूरे हो जाते हैं थोड़े से चावल हमारे पास लीव हो जाते हैं तो जनाब चावल बनाने स्टार्ट किए हैं मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर लें स्टूडेंट्स जो हैं जो सिंगल लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता जॉब करते हैं वर्किंग लोग हैं उनके लिए इस तरह की रेसिपीज बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप बनाएं और अपनी जिंदगी को आसान करें तो जनाब पुलाव मेरा मैंने देखें उसको मैंने हल्की सी भोनी दी भोनी देने के बाद मैंने पानी चढ़ाया पानी चढ़ाने के बाद मैंने कुकर को कर दिया बंद सही बारह मिनट के बाद मैंने कुकर खोला तो ये है जी चावलों की शक्ल इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा ये जिस तरह से मैंने कुकर खोला है वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप ये ज़रा चेक करें कैसे मज़े के खिले खिले चावल बने हैं अगर मेरी बेटी ने कैमरा पकड़ा है अगर वो जूम करके दिखा दे क्योंकि मैंने उसको बोला जरा चावल भी दिखा दो दिखाता थी अच्छा अम्मा बना रही हूँ बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह से इसको शूट किया लेकिन बहुत खिले खिले चावल बनते हैं आप जरूर रेसिपी ट्राई करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जितनी आप चीज़ें अच्छी बनाए आपको मेहनत कम करनी पड़े टाइम कम देना पड़े एक हाउस वाइफ़ के लिए या एक माओ मॉम के लिए जब आपके पास कोई और हेल्प नहीं होती तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पता है अगर आपको पता हो कि आप किचन में जा रहे हैं तो अब जी तीन घंटे गए तो फिर आपको भी होता कि अल्लाह ये तीन घंटे हमने किचन में गुजारने हैं इतनी देर में तो मैं ये ये काम भी कर सकती थी तो ये चीज़ें आप ज़रूर अपने जहन में रखा करें Uh, क्योंकि टाइम भी देखें जायका भी हो और बच्चे भी इंजॉय करें फैमिली भी इंजॉय करें तो वो तो आपके लिए परफेक्ट सुनहरी है तो जनाब खाना मेरा हो चुका है रेडी है देखिए कल की फ़िश भी लेफ्ट ओवर है चिकन भी लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है साथ ये पड़ा है जी पुलाव साथ चटनी और रायता सलाद वग़ैरह वो तो मेरे पास होता ही ऑलवेज़ तो ये था हमारा आज का डिनर और बहुत मज़ा आता है जनाब ये मुझे लेफ्ट ओवर चीज़ें भी दोबारा से यूज़ करने का मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ सबको प्लेट्स बना के दे दी तो ये है जी मेरी प्लेट और ज़रा चेक करें चावलों के साथ क्या मज़े का कॉम्बो बनाया है जिस फ़िश का और चिकन का मैं करूँगी अपना खाना इंजॉय और आप भी रखें अपना ख्याल रखें मुझे अपने दौ में याद प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और मैंने जो चैनल अकाउंट बनाया है जी अपना इंस्टाग्राम पे उस पर भी मुझे फ़ॉलो करें इट्स गुल्स लाइफ इन कैनेडा मिलूंगी कल आपसे सेम टाइम पे सेम चैनल पे मुझे रखें अपनी दुआओं में यार टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़